कल रात को भूखा सोया था, ये मेरी मम्मी है, मैं इनकी वजह से कल भूखा सोया था। इन्होंने कहा था कल खाना लेकर आऊँगी, लेकिन ये खाना लेकर नहीं आए, पार्टी में गए थे, पार्टी से ये खुद भी खाना खा के आए, लेकिन मेरे लिए खाना लेकर नहीं आए। तो मैं इन लोगों की वजह से आज भूखा सोया था कल रात को, और आज बड़ी लेट उठाऊँ, 11 बजे मेरी शक्ल देख सकते हैं आप लोग, मेरी शक्ल ऐसे दिख रही है, ये देखो, यही वो इंसान है जिसकी वजह से कल मैं भूखा रहा रात में। ये कितनी अच्छी लग रही है, ये मेरी मम्मी है जो आपकी आंटी रखती है। अब मुझे इतना बोलने का शुगर नहीं ठहरा इसलिए मैंने बोला मैं खाना मेरे लिए मत बनाना, मैं अपने लिए खाना ला रही हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, ये बोल दे। मुझे क्या पता था कि ये समझेगा कि मेरे लिए खाना लेके आ रही है। ये बात थी कल का सोया बंदा आज 11 बजे उठ रहा है सिर्फ इस मारे कि भूखा रह गया, और पकाने का मन भी था लेकिन मन नहीं करा इनको देखकर कि मैं पकाऊंगा तो इनके लिए ही पकाना पड़ेगा। कामसर बंदा ऐसे करता है, कामसर ऐसे तो होते हैं। अरे बना लेता सबके लिए, बना लेता अपने लिए भी हमारे लिए भी, क्या फर्क पड़ता है। मेरा मन नहीं था बनाने का, बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा बनाने का, क्योंकि मैं बड़ी वो सोच रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा खाने को। अरे यार पार्टी ऐसी थी, वो उनका खाना पीना अपना ही खाना था उनका, ना जो कस्टमर को देते हैं उनका खाना पीना अपना ही बनाना था, अपना ही खाना था, अपना ही खिला खुला के जो बचता वो भी उन्हीं का था, इसलिए अब वहाँ लाने का मौका कहाँ से मिलता बताओ। ये बच्चे भी तो ऐसी है ना, सोचते रहते कुछ ना कुछ लाएगी करके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, अपना घर में जो है बनाओ खाओ। सही बात अपने घर में कुछ भी है बनाओ खाओ, और दूसरा का वेट मत करो, यही सीख मिलती है। अगर कोई फोन में कह भी दे मैं आज आ रही हूँ कुछ लेकर आ रही हूँ तो विश्वास ना करें। अब मिठाई लाई, केला फल फ्रूट लेके आई, और जो खील बता देते हो प्रसाद वो दिया मेरे को, वो भी तो लेके आई मैं इनके लिए। अब वैसे तो आधे पेड़ उसी से हो ही जाता है, तो यही इनका बच्चों का खाना पीना थोड़ा ज्यादा रहता है। और अब मेरा खाना पीना का हिसाब थोड़ा थोड़ा होता है, मेरा पेट भर जाता है वैसे ही। अब ये बच्चों का पेट है थोड़ा बड़ा ही होता है, बच्चे बार बार खाते हैं। भूखा रह गया कल तो मैं, बहुत ज़्यादा भूखा रह गया। कोई बात नहीं, अगले बार से थोड़ा समझ आएगी तो ऐसे नहीं बोलूँ कि मैं अपने लिए खाना ला रही हूँ करके। अब मैंने तो अपने लिए बोला, इसके लिए थोड़ी मुझे क्या मेरे भरोसे बैठे रहेगा करके। ये हुई थी कल की बात, कल नाइट की बात है, इसमें मैं सच में भूखा रहा कल, रात तक खाना नहीं मिला ढंग से। एक रात पेट को भी आराम देना चाहिए, कभी कभी तो होता है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मी है, कल खाना पीना खा के आई, लेकिन मेरे पेट में नहीं है। रह गया, मैंने तो दो नान खाए, बाबा थोड़े से चावल खाए, थोड़े से एक दाल वो खाया, क्या बोलते हैं मटर पनीर, और हलवा खाया, तो बिल्कुल बेकार लगा, नहीं लगा अच्छा। तो मेरे पेट में वो धरा ही था सारा, दो बार चाय पी ली, एक बार चाय अपने मैके में पी के आई, एक बार चाय घर पे पी ली, पेट में पूरा धरा रहा। अब इनके पेट का खुद पता नहीं कि इनको इतनी तेज भूख लगी है, तो ये बोल देता कि मुझे मम्मी भूख लग रही कुछ बना ले, तो मैं घर आके भी बना देती, ये भी बना लेता। चलो दोस्तों सब मजाक की बातें हैं, कल पार्टी थी छोटी सी, सगाई में गई थी कल मम्मी, कोई मम्मी झूठ नहीं बोलती है। कल सगाई में गई थी मम्मी, बहन की सगाई में, तो वहीं से बहन की बेटी की सगाई था बाबू, बहन की सगाई नहीं था मेरी बहन इनकी बहन की बेटी, अब जो समझो आप, मैं मेरी ही बहन लगती है और इनकी भतीजी लगेगी, वैसे वो बहन की बेटी लगेगी, बेटी लगती है बहन की बेटी, बेटी मेरी बहन लगती है। तो उनकी सगाई थी, उनकी सगाई में गए थे ये लोग, वहीं से पार्टी की बेटी बेटी होती है, ये भाई बहन बन जाते हैं ऐसी बात। हाँ जी, इनको बोलने का भी तो ढंग नहीं है ना, कैसे बोलते हैं ऐसे ही तो ये लगबाड़ा लगाते, लगबाड़ हमारे बोलते लग, ये लगबाड़ा लगाते ये लगबाड़ा ऐसे लगाया इन्होंने कि मेरी भतीजी की बोल रहे, मेरे भतीजी थोड़ी होती है, मेरी तो बेटी होती है, तो बेटी बोलते हैं, और ये तो ऐसे बोलता है कि भतीजी होती है, मेरी बहन लगती है, बहन तो लगेगी, बहन मेरी बहन की बेटी है, इसकी बहन ही तो होगी, वो मौसी की बेटी होगी इसकी। चलो ओके दोस्तों, ये हमारी मम्मी कहानी है कल की। ठीक है ठीक है, ओके बाय। ओके बाय, ये देखो ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय।
ओके बाय। यही है कहानी कल की, खतरनाक बिल्कुल। आज बना रहा हूँ खाना अपने लिए फर्स्ट क्लास, आपको दिखाऊँ क्या क्या खाना बना रहा हूँ सबके लिए। बात बना आप देर बेरा बने पे धर दे जो ही बात बना। दोबारा बोलो जो ही बात बनाना बहुत लागू जो ही इनको पसंद जो भी मैथ पे जो ही ले रही। ये कह रही है कढ़ी चावल बना रहे हैं, जिन्हें अपनी लैंग्वेज बता रही है जो ही बात। कढ़ी चावल को ही जो ही बात बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, तो ये अपनी लैंग्वेज बता रही है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। हेलो दोस्तों, नहा धो के हो गया हूँ रेडी, अब चलता हूँ अपना जो ही बात बनाने के लिए। आई मीन कढ़ी चावल पहाड़ी लैंग्वेज में जो ही बात कहते हैं। बस वो फ़र्क इतना होता है कि उसमें जैसे कढ़ी चावल में पकौड़े डालते हैं और जो ही बात है पकौड़े नहीं डालते हैं। बस सिंपल से एक कढ़ी चावल होते हैं सिंपल विदाउट पकौड़े। तो आपको दिखाता हूँ कैसे बनाता हूँ अपने लिए आज। ये मेरी मम्मी काम कर रही है नीचे, आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रही है। बाकी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाते हैं। ये मेरी मम्मी पीस रही है मसाले समय, आप देख सकते हैं काफ़ी घरों में ये सिलबट्टा होता है, अब नॉर्मल घरों में नहीं भी होता है आज की डेट में। ये देखो इसका सही बात, बट इसका स्वाद ही अलग होता है। इस सिलबट्टा कहते हैं इसको मसाले पीसने समय, जो ही बात के लिए स्पेशल आई मीन कढ़ी चावल के लिए। हाँ मम्मी पिस गए, पिस गए, चलो उठाओ फिर इनको। अब बढ़िया पिस गए, बारीक बारीक देखो कितना अच्छे बारीक हो रहे हैं। इसका स्वाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका स्वाद अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा होता है, शानदार। गाँव में तो काफी लोग इसी को यूज करते हैं सिलबट्टे को, मिक्सी से तो कम यूज करते हैं। अब ये हमारे मसाले तैयार हो गए हैं, आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या होता है इस प्रिपरेशन। दोस्तों ये देखो कढ़ी का पेस्ट तैयार हो गया है, सिंपल सी है, जोई और मसाले नमक हल्दी मिर्च, बस यही सिंपल चीज़ें हैं इसमें, जो बिल्कुल पेस्ट की तरह थोड़ा वाटर मिला के इसको थोड़ा सा मतलब पतला ही करते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते हैं। बस इसमें पकौड़े नहीं डालते, नहीं तो ये कढ़ी पकौड़े हो जाएंगे। जो ही बात है सिंपल से ये बस एक लस्सी होती है, मसाले वसाले पीस के डाल दिए सिलबट्टे में जो आपको मैंने दिखाई वीडियो में, और ऊपर से थोड़ा सा नमक वमक अपने हिसाब से मसाले जो स्वाद अनुसार होते हैं। बस ये एक छोटा सा एक वो है, हाँ एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जो ही बात के लिए। ये जो ही है सिंपल से वर्ड में, पहाड़ी वर्ड में इसको जो ही बोलते हैं। ये प्याज तड़का लग गया है इसमें, आज कम कर थोड़ा, आज कम कर, मीडियम आज कर, तब ताकि सही रहेगा तेल ऊपर। ये हमारा पेस्ट तैयार है, बस 2 सेकंड की और रहेगी ये प्याज की पकने की तैयारी। बाकी इसको डालते हैं, दिखाते हैं आपको इसे कलर, और आपको बिल्कुल तू तो आ नहीं रहा है, तो इसमें आएगा कैसे? ये मैंने कड़ी डाल दी है इसमें विदाउट पकौड़े वाली, जैसा मैंने कहा था जो ही बात बना रहे हम लोग। आज कम कर दे बिल्कुल, नहीं तो ये जो ही तरी वो हो जाएगी इधर दे पानी, वीडियो तो बनेगा खाना में तभी तो। ये थोड़ा थोड़ा पानी वो डालता हुआ परिवार परिवार के हिसाब से। आप कमेंट में जरूर बताना इसमें आपको इसका कलर कैसा लग रहा है। सिंपल कढ़ी है विदाउट पकौड़े वाली, हमारे गांव में इसको जो ही बात कहते हैं, जो ही कहते हैं। भात इधर कुकर में तैयार है ऑलरेडी, इसकी आवाज़ सुना सकता हूँ मैं। ये परिवार के सबसे पानी डलता हुआ इसमें, ताकि किसी के लिए कम ना हो। हो गया नहीं डलेगा उसमें पानी क्या? ये हमारी जोई रेडी हो गई है बिल्कुल, ये मम्मी इसको हिलाते हुए। अब इसमें थोड़ा सा नमक और क्वांटिटी में डाल रहे हैं,
एक बार उड़ला के देखते हैं इसमें अब कुछ का कलर कैसा लग रहा है। मेज बनी थी बहुत बढ़िया। ये हमारी जो बात मेज बनी थी बनते हुए फिर इसके उम्मीद डायमंड को डाल गए लोड़ा और हल्दी मिर्च। ये मम्मी अपनी भाषा में आपको ट्रांसलेट करती हुए कि यार उनकी मम्मी कैसे बनाती थी खाना। बहुत टेस्टी थी बहुत टेस्टी होता हमारा मम्मी जब बना देते दही में आटा डाल दिया और पानी डाल दिया लोड़ मिर्च डाल दिया नमक और मिर्ची डाल दी तो बहुत अच्छी होती थी बहुत टेस्टी लगते थे। मम्मी बनाती थी मन करता कि और खाएं और खाते रहे दिन भर और बनाते रहे पेट भी नहीं भरता था उतना अच्छा लगता। सही बात हमारा भी ऐसे ही होता लेकिन हमारा खाने ज़्यादा मन नहीं करता टेंशन की वजह से लेकिन हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। सही बात हमने तो खाया पिया मस्त हो गए सो गए। गांव की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है विदाउट टेंशन नो पेंशन दिल्ली का फॉर्मूला है। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मी का हाथ का टेस्टी भी लगता है। सही बात अपने घर की गाय गाय दूध देने वाली दही खाओ दूध खाओ और घी निकाल के खाओ जो मर्जी करे खाते रहो घी के साथ रोटी खाओ और भी अच्छा लगता गरम गरम रोटी घी के साथ खाने में। ये उबलती हुई हमारी धोई पहाड़ी धोई उबलती हुई अपने टेक्सचर में कलर जो कितना प्यारा है। अच्छे ये भात पक गया ये हमारे लिए भात रखा जा रहा है। आपको बिल्कुल सह दिल से आमंत्रित करता हूँ आइए और जो ही बात का लुत्फ उठाइए। है सिदम भी ये देखो कितने प्यार कितने अच्छे कलर में उबल रही है ये आप देख सकते हो ये हमारी जोई है पहाड़ी जोई का टेक्सचर देखो कितना प्यारा हो गया कलर कितना प्यारा हो गया इसके समय उबलने से। ये हमारी प्यारी सी मम्मी ने बनाई है मम्मी इधर देखो मम्मी आ घर के सुने तब से मम्मी कह रही है आज वो घर पे है ना इसलिए बनाई है आओ दोस्तों सब मिलके खाते हैं आई आप भी आ जाओ सबको आमंत्रित करता हूँ आओ और मेरे साथ जो ही बात खा लो आई मीन कड़ी विदाउट पकौड़े वाली सच में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। बस मैं एक चीज़ कह सकता हूँ इसमें एक चीज़ की कमी होती है कि इसमें पकोड़े नहीं होते इसलिए एक कड़ी पकोड़े वाली नहीं कह सकते इसको इसको बस सिंपल कड़ी कह सकते हो जैसे हम पहाड़ी में इसको जोई भात कहते हैं। ये सिंपली आपको जोई भात ऐसा होता है जो मैं कहना चाहता था आपसे कि मैं आज अपने लिए जोई भात बना रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आए ये थाली देख के आपका मन भी खाने में करे और आपके मुंह में पानी आए जरूर और आपको भी एक दिन मेरे साथ ऐसे खाने का मौका मिले।